गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन और किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात किया था, और इसके साथ ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्रैमर नियम अर्थात सारणी की सहायता से और आभूषण की सहायता से ज्ञात किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके अपन ने क्वेश्चन 1 से लगाकर 3rd तक और जो 5th क्वेश्चन है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड और तीन बिंदुओं के संरेख होने की कंडीशन बताई थी तब। आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि सारणी का प्रयोग कर अर्थात डिटरमिनेंट की सहायता से के का मान ज्ञात करो। यदि आपके पास में जो 3 पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, संरेख है या कोलीनियर है। अब देखिए कोलीनियर होते ही अपने दिमाग में बात क्या आती है कि आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो जो कि तीनों पॉइंट से गुजर रहा है उसका मान 0 होगा। ठीक है, देखिए तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या होती है भाई, आपके पास में 1/2 लिखो तो सही, नहीं लिखो तो सही, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1 का मान होगा वो आपके पास में क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसमें x1 y1 ये है, ये x2 y2, ये x3 y3, तो देखिए अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास कुछ इस प्रकार रिजल्ट आएगा, क्योंकि 1/2 कभी 0 हो नहीं सकता तो अपना सीधा ये मान 0 होगा। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, k 2 - 2k 1 - k + 1 और यहां आ रहा है आपके पास में 2k और आगे आ रहा है आपके पास में 1 और आ रहा है आपके पास में -k -k 6 - 2k 6 - 2k 1 = 0, ये आपके पास 0 है। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो अपने पास में k की वैल्यू आएगी, क्योंकि k एक अज्ञात राशि है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये k एज इट इज, इसके साथ में करेंगे ये हो गया 2k - 6 + 2k। ठीक है, क्योंकि माइनस होगा ये माइनस और ये प्लस, और प्लस का 2k - 2। अब देखिए यहाँ आप कहोगे माइनस आता है, लेकिन मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि 2 - 2k था, उसकी जगह मैंने 2k - 2 कर दिया और इसके साथ में आएगा देखिए 1 - k 1 - k और प्लस का 4 + k। ठीक है, और प्लस का 1 आपके पास में और इसके साथ देखिए बड़ी राशि आएगी, तो मैं सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 1 का, तो ये हो गया 6 - 2k। अब मैं माइनस का करूंगा तो माइनस का 6k और -(-)+2k² ये हो गया 2k² और माइनस का इसके साथ करेंगे तो -(-)+ 2 × 4 आपके पास में ये हो गया 8k और 2k का -k के साथ में +2k², तो ये हो गया आपके पास में 2k² = 0। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2k और 2k 4k 4k -6 तो ये हो गया आपके पास में 4k² - 6k और यहाँ पर यदि ध्यान दें तो देखिए k से k कैंसिल आउट तो क्या रह गया 5, तो 5 × 10 आपके पास में 10k - 10 और यहाँ पर यदि बात करें तो ये हो गया 2 + 2 4k². ठीक है,
और देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये 6k, 2k और 8, 6k, 8k और प्लस का 8k कैंसिल आउट, और यहाँ दोनों ये टर्म आ गए और प्लस का क्या बच गया 6 बराबर 0। अब देखिए अब इसको साथ में ले लेते हैं, तो ये हो गया 8k स्क्वायर, ठीक बात, प्लस का 4k क्योंकि 10 में से 6 गए, और माइनस का 4 बराबर 0, या फिर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 बराबर 0। ये आपके पास में एक क्वांटिटी आ गई, एक रिजल्ट आ गया। अब इसको अपन सीधी धराशायी फॉर्मूले से सॉल्व करने जाएं तो k का मान आएगा माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर का मान आपके पास में 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 इंटू आपके पास में ac, तो ये हो गया आपके पास में 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू और a 2 इंटू 2 आपके पास, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 4 गुणी 8 और 1 9 का मान आपके पास में 3 बटे 4 k का मान। तो इधर आपके पास में देखिए एक बार अपन प्लस का लेते हैं तो क्या आएगा k का मान, k बराबर माइनस 1 प्लस का 3 अपॉन 4 और k का मान होगा वो माइनस 1 माइनस 3 बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो k का मान होगा वो 1 बाई 2 होगा, और या फिर आपके पास में जो k का मान होगा वो माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो k की आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, या तो आपके पास में k का मान 1/2 होगा तब ये आपके पास में सरेख होगा, या फिर माइनस 1 होने पर भी सरेख होगा, मतलब k की दो वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन पर स्थित है। मान लीजिए आपके पास में ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, ऐसे ये स्थित है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पॉइंट 3.1 को 9.3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण याद करो। अब देखिए मैंने 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताया था, तो पहले मैं लिख लेता हूं, दो बिंदु आपके पास में कौन कौन से थे, दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, देखिए यहां पर आपके पास में जो होगा वो होगा तीसरा पॉइंट, मान लीजिए कोई भी पी है वो एक्स वाई स्थित है, तो ये होगा x1 y1 1 और ये होगा x2 y2 और 1 का मान होगा वो आपके पास में बराबर 0 होता है। ये अपन पहले ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। अब मुझे देखिए इसमें वैल्यू रखनी है, तो पहला पॉइंट आपके पास में क्या है x1 y1 3.1 और x2 y2 क्या है 9.3। देखिए यहां x y कौन से है, जो अज्ञात पॉइंट है जो कि इस लाइन पर कोई स्थित है। मैंने डेरिवेशन बताया था कि मान लीजिए ये एक रेखा है, ये पॉइंट a है और ये b है, तभी तो a और b से गुजरने वाली रेखा है। अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट इस पर कोई स्थित है p, जिसके कोऑर्डिनेट है x y, तो देखिए ये तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे, और तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो अब देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं, तो x y 1 और ये हो गया देखिए 3 1 1 और 9 3 1 का मान है वो आपके पास में आ गया बराबर 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है, x (1 - 3) माइनस का वाई और ये हो गया 3 - 9, ये हो गया 3 - 9 और प्लस का 1 9 - 9, ये हो गया 9 - 9 बराबर 0। तो देखिए माइनस का 2x, ये माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस, तो 6y बराबर 0, या फिर अपन माइनस कॉमन ले तो ये लिख सकते हैं x - 3y बराबर 0। तो ये एक रेखा का समीकरण अपन को पता है, एक तो अपना आंसर ये आ गया। आगे उसने और क्या बोला है,
तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि तीसरा पॉइंट ये है तो देखिए अपन को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये मान लीजिए जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1। अब देखिए दो पॉइंट तो पहले से गिवन थे और तीसरा पॉइंट ये हो गया, तो देखिए अपन यहां लिखते हैं 1/2 (3, 1, 1) 9, 3, 1 और -2, -4 और 1। यही तो पॉइंट है -2 और -4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 ठीक बात मैं 3 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो गया 3+4 -1 (9) और आपके पास में देखिए +2 और +1 इसका करेंगे तो -936 और ये हो गया +6 ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए ये हो गया 1/2 3+4 कितने होते हैं भाई 7 7 कितने होते हैं 21 होते हैं और ये 9 और 2 11 होते हैं और ये हो गया आपके पास में -30। अब मेरी बात सुनिए 11 में से 21 में से 11 गए पीछे बचे 11 और ये हो गया आपके पास में देखिए 10 और 30 आपके पास में कितने हो गए 10 पॉजिटिव और 30 नेगेटिव तो ये 30 में से 10 गए 20 तो ये आपके पास में देखिए जो एरिया आएगा वो आपके पास में 1/2 ऑफ माइनस वैल्यू 20 ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 10 वर्ग इकाई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ एनी रीजन किसी भी क्षेत्र का आपके पास में क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए मैंने इसकी मॉडुलस वैल्यू दी है क्योंकि देखिए 30 में से 10 गया तो माइनस का 20 आएगा तो ये आपके पास में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 6। क्वेश्चन बड़े इजी है आप टर्म बाय टर्म चलोगे तो अपने क्वेश्चन सब हो जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपना सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। अभी तक देखिए अपन बात कर रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या फिर आपके पास में बात कर रहे थे उसके एप्लीकेशन में सारणी और की सहायता से अपन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदुओं के सारे होने की कंडीशन और कोई 2 पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब अपन बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बात करेंगे अपन लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए इसने पहले ही कह दिया है कि आपको क्रेमर नियम से हल करना है और क्रेमर नियम मैंने कब पढ़ाया था जब सारणी की सहायता से इसको सॉल्व करवाया था ठीक है। तो देखिए क्रेमर नियम क्या कहता है पहले तो अपन यहां लिखते हैं क्रेमर नियम ठीक है। तो क्रेमर नियम से अपन जानते हैं कि जो एक्स का मान होता है वो (Δ1/Δ) होता है और वाई का मान होता है वो (Δ2/Δ) होता है जहां पर डेल्टा है वो नॉट इक्वल टू 0। ये जब टू वेरिएबल के लिए ए 3 है तो तीसरा जहां पर वेयर डेल्टा बराबर आपके पास में क्या होता है भाई (a1, b1, a2, b2) और ये कब आएगा जब मैं आपके पास में ये दो इक्वेशन मानता हूं (a1x + b1y) = (c1) और (a2x + b2y) = (c2) यदि ये टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इनका हल क्रेमर नियम से आपके पास में x बराबर ये होता है जहां डेल्टा ये है डेल्टा 1 क्या होता है मैंने कहा था a1 और a2 की जगह c1 और c2 आएगा तो c1 c2 b1 b2 और आपके पास में डेल्टा 2 होगा वो आपके पास में b1 और b2 की जगह क्या आ जाएगा c1 और c2। देखिए ये कोई मैं नई बात नहीं लिख रहा हूं इसका डेरिवेशन मैंने पहले आपको प्रूफ भी करवाया कि कहां से आता है तो आप लास्ट के लेक्चर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये तो जस्ट मैंने रिपीटेशन के लिए बताया है। अब देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है 2x + 3y = 9 और 3x - 2y = 7। अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इन दोनों इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करवाने जाऊं a1 का मान क्या है भाई 2 है b1 का मान 3 है और c1 का मान 9 है और आपके पास में a2 का मान 3 है
B2 का मान माइनस का 2 है और C2 का मान आपके पास 7 है। यहाँ रखना, यहाँ सब में प्लस है, यहाँ यदि नेगेटिव आता है नेगेटिव साथ में लेंगे। ये दिख रहे हैं कि जरूरत नहीं, आप सीधा भी मैट डिटरमिनेंट के अंदर रख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इससे कंपेयर करवा के समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए मुझे इसका सॉल्यूशन किसकी सहायता से निकालना, क्रैमर नियम से, और क्रैमर नियम से सॉल्यूशन बोले एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, उसके लिए मुझे डेल्टा 1 डेल्टा और डेल्टा 2 चाहिए। तो देखिए देयरफॉर जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, देखिए a1 b1 a2 b2, तो a1 क्या है, a1 b1 b2 a2 और b2 यही तो होगा। देखिए आपके पास में है 2 3 3 और -2, आपको ऐसा याद है, ध्यान दो 2 3 3 और -2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए माइनस का 4 और माइनस का 9 बराबर माइनस का 30, ठीक है। डेल्टा 1 क्या आएगा, देखिए डेल्टा 1 बात करें डेल्टा 1 यहां C1 और C2 क्या 9 और 7 और यहां 3 और -2, तो इसकी वैल्यू आएगी देखिए माइनस का 18 9 × 18 और माइनस के 7 3 21, तो कितने हो गए भाई 21 और 18 आपके पास में 39, ठीक है। और यदि अपन डेल्टा 2 की बात करें, डेल्टा 2 में 2 3 9 और 7, ठीक है, तो ये हो गया 7 × 14 माइनस 9 तेरे कितने होते भाई 27, तो 27 में से 14 गए माइनस के 13, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहां अपन एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा वाज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 2 है वो इज नॉट इक्वल टू 0, अतः निकाय कैसा होगा भाई, मैंने बताया था तीनों 0 नहीं होंगे, तो निकाय संगत व स्वतंत्र है तथा इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही हल होगा, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। अब देखिए अद्वितीय हल होगा तो हल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो डेल्टा डेल्टा की वैल्यू निकाल, अब हल ऐसे निकाल करते, तो यहां से देयरफॉर एक्स बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा बराबर डेल्टा 1 क्या है माइनस का 39 अपॉन माइनस का 13 बराबर आपके पास में 3 और y की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, इट मींस आपके पास है माइनस का 13 बट्टा माइनस का 13, तो यह आ गया वैल्यू आपके पास में 1, तो ये है इसका आपके पास में सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये लाइन आप एक बार लिखेंगे तो आपके पास में अच्छा इंप्रेशन बनेगा और एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। और मैंने दो तरीके बताए थे इसको, एक ये तरीका बताया था, एक ये भी बताया था कि जब ऐसी इक्वेशन आती है और उसमें अपन ये कह देते हैं कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो इस केस में आपके पास निकाय है वो संगत होगा स्वतंत्र होगा तथा इसका जो हल है वो अद्वितीय या यूनिक हल होगा। तो देखिए इसमें अपन बात करें तो ये क्या आ रहा है 2/3 और इधर आ रहा है आपके पास में 3 upon -2, तो ये आपके पास में आपस में बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन से भी अपन देख सकते हैं और इस कंडीशन से भी देख सकते हैं, मैंने दोनों कंडीशन बना रखी, ये तो मैंने जब 3 वेरिएबल का बताया था तब ये कंडीशन बताई थी और जब 2 वेरिएबल का बताया तब ये कंडीशन बताई थी। तो देखिए ये था आपके पास में क्रैमर नियम से। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपको सेल्फ करना है, करना कुछ भी नहीं है, ये दे रखा है इसमें a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यू निकालो और यहां रख दो, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना तीनों नॉट इक्वल टू 0 आएगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सेम प्रोसीजर है आपके पास में और हल इसका भी आपके पास में संगत और स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 से आगे है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।